हाय गाइस, आज का टॉपिक है वर्डप्रेस के जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम जिस तरह का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, इस तरह के आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का यही टॉपिक है, आप थंबनेल देख चुके हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से इसे बनाते हैं। जी हाँ, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्नोलॉजी, माय नेम इज अखिलेश। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। मैं यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया हूँ। जी हाँ, देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अपना वेबसाइट को विजिट करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं मेरा वेबसाइट का विजिट अभी इस तरह का है, मैंने यहीं तक बना के छोड़ दिया था, अब आगे की ओर इसको प्रोसेस करूंगा। जी हाँ, आप जो पार्ट वन नहीं देखा था, पार्ट वन जाके आप देख ले। चलिए मैं आप शुरू करता हूँ, आपको पेज के अंदर जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको होम जो दिख रहा है, होम को आपको एडिट करना है, और यहाँ पे देख रहा है एडिट विथ इलामेंटर, आपको एडिट विथ इलामेंटर आपको ऊपर मिल जाएगा, इसलिए आप जाइए, आप जाइए एडिट विथ इलामेंटर के पास और इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तब आपको यहाँ पर एड जो प्लस का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको ये सिंगल पोस्ट सिंगल पेज का है, ये डबल पेज का है, डबल में रो का कॉलम का, डबल कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम, ये फोर कॉलम, ये साइड बार एंड वन कॉलम, और इस तरह आप डिजाइन जिस तरह का डिजाइन ले सकते हैं उस तरह का डिजाइन इस पर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए मैं एक पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह का ये डिजाइन तीन आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तीन के तीनों के अंदर देखिए एक एक करके यहाँ पे मैं बटन रखता हूँ। जी हाँ, ये बटन सही नहीं है, बटन यहाँ पे रखना, यहाँ पे मैं बटन नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे हेडिंग रखूंगा। जी हाँ, इसमें भी हेडिंग और इसमें भी हेडिंग रखूंगा, इस तरह से हेडिंग रखा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ फ्रेंड्स आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर ले चलता हूँ। ये जो तीन है, ये चार चार जो आठ है, इस तरह का मुझे बनाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बनाना था चार चार को, और यहाँ पे आपको जो एडिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेंटर रख देना है सभी को, यहाँ पे मैं सेंटर रख लिया। डिफॉल्ट साइज स्मॉल, स्मॉल बहुत छोटा हो जा रहा है, मीडियम बहुत छोटा हो जा रहा है, लार्ज ये अच्छा है, यहाँ पे लार्ज ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एस2 टैग है, एस2 टैग ही रहने देते हैं। अब चलते हैं स्टाइल में, स्टाइल में फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लेंड मोड जो नंबर है इसे रहने देते हैं। अब जो भी है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे इसको बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बॉर्डर लेना चाहते हैं तो आप बॉर्डर ले सकते हैं, यहाँ सॉलिड बॉर्डर है और डबल बॉर्डर है, डॉटेड बॉर्डर है, डैश्ड बॉर्डर है, बॉर्डर है, ग्रुप बॉर्डर है, आप इस तरह का बॉर्डर ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, आपको जिस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हैं उस तरह का बॉर्डर यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर लेता हूँ, और यहाँ इसका जो बैकग्राउंड कलर जो भी करूँगा ग्रेडियंट पे करूँगा, जो डबल कलर में होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो भी कलर लूँगा आप उस कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा कलर यहाँ पे उतना सही नहीं लग रहा है, मैं इसे ब्लैक और इसको इस तरह के कलर में रखते हैं। जी हाँ, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का बहुत अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। आपको इस कोड को कॉपी कर ले, जो कि आपको बाद में दिक्कत नहीं पड़े। और जो कि सॉरी, और जो कि ब्लैक तो ठीक ही है, सबका 0-0 होता है कोड, आपको ये मालूम रहेगा। अब फ्रेंड्स फिर से इसमें आएंगे, इस वाले पोस्ट में,
और बैकग्राउंड नेपाली इसका बॉर्डर से सॉलिड, और इसके बाद बैकग्राउंड जो लेंगे ग्रेडियंट लेंगे, और इसको कलर जो ब्लैक करेंगे आपको मालूम नहीं है ब्लैक करना है, और इसके बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है इस पर, और सेम जो है इसका कलर हो चुका है। जी हाँ, आप फिर से बॉर्डर में जाएंगे और सॉलिड ले लेंगे, और बैकग्राउंड के ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक चूज कर लेना है। जी हाँ, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सेम सभी का हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसमें जो इस तरह का लिखा हुआ है इस तरह का टाइप करेंगे और यहाँ पे लिख के रख देंगे। यहाँ पे ये सब मेरा टाइप है पहले से कुछ, मैं इसे कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह से इसे सब मैं ले लूँगा कंट्रोल सी एंड दिस इज अ पेस्ट, और यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जी हाँ, और फ्रेंड इसका ये कलर मुझे अच्छा है, डच नहीं रहा है, इसको कलर करने के लिए स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जो कलर है इसको वाइट करेंगे, और आपका शानदार क्या ही गजब का लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत परफेक्ट कलर लग रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप इस सब चीज़ को बना सकते हैं। जी हाँ, ये तो हो चुका है फ्रेंड्स, ये प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ मार्जिन नहीं है, मार्जिन के लिए आप एडवांस सेटिंग से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और शॉर्टकट की मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह के ऐड ले आएंगे और यहाँ पे स्पेशल जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वन रख देंगे, यहाँ पे मार्जिन जो है वो आपका हो जाएगा। अब अपडेट मैं इसे कर देता हूँ, अब फ्रेंड्स यहाँ पे रिलोड करूँगा, यहाँ फ्रेंड्स ये आ चुका है देख रहा है इस तरह का। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक आपको कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी कर लेना है, एकदम सिंपल बात है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह का एक और कॉपी आ चुका है और इसमें नाम बदल देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पे स्पेशल फिर से यहाँ पे एक रख दूंगा जो कि आपको स्पेस जो रहेगा इसके अंदर, आपको एडवांस सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम आपका इजी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे एमपी प्राइमरी टेट एडमिट कार्ड मैं यहाँ पे गया और इसे पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट नहीं हुआ, फिर मैं दूसरा ले रहा हूँ जो कि इसको पेस्ट कर लेना है इस वाले में, और तीसरा ले रहा हूँ कंट्रोल सी जो कि इस वाले में पेस्ट कर देना है, अब यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप का तो आ चुका है मेरा, जो ये टाइप था इस टाइप का यहाँ पे मैं ले आ गया, इसे आप देख रहे हैं क्या शानदार अच्छा लग रहा है ना। जी हाँ फ्रेंड, बहुत शानदार बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं, एक यहाँ पे पहले स्पेशल मैं दे देता हूँ जो कि स्पेशल देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, यहाँ पे आप साइड में साइड बार दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ, चलिए अब यहाँ फ्रेंड्स आपको ये तो आपका बन चुका है, अब आप इस तरह का मार्क्यूब किस तरह से ला सकते हैं, और सरकारी जल्द ये सब है आप इसको भी रख सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर, यहाँ पे मैं अपना बना कर रखा हूँ, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे अपने एग्जामिनेटर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे ऐड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे हेडिंग रख दूंगा। जी हाँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा जो कि इसको पेस्ट करने के लिए बहुत भाईस।
अब जो कि डिफॉल्ट यहाँ H2 है तो H3 पर लेके जाऊंगा। H4 देख रहा हूँ, H5, H6। अब मैं यहाँ पे इसको पैराग्राफ में रखता हूँ और इसे सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से है, इस तरीके से जी हाँ, और यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये पैराग्राफ में आ चुका है जी हाँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं, सॉरी अभी फिलहाल इतना ही पढ़ने देते हैं जी हाँ फ्रेंड्स। और ऊपर ये इसे अपडेट कर देते हैं, अब ये किस तरह से दिखने में लग रहा है, चलिए मैं इसे रीलोड करता हूँ। शानदार है, बहुत अच्छा ही लग रहा है देखने में जी हाँ फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे जो मार्क्यू है, अब इस मार्क्यू को लेके आता हूँ जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं किस तरह इस मार्क्यू को लेके आता हूँ। मार्क्यू को लाने के लिए आपको इंडियन टेक्नो डॉट इन पर जाना पड़ेगा जी हाँ फ्रेंड्स। और मार्क्यू का जो भी लिंक दिया गया है आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं, या वर्डप्रेस के अंदर में जाएंगे सरकारी जल्द जैसा मार्क्यू वेबसाइट बिल्ड करने के लिए कोड एचटीएमएल कोड है जी हाँ, आप इसे कॉपी यहाँ से कर लेंगे जी हाँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे आएंगे और इसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक लेंगे जो सस्ता सा ऐड एक पेज जी हाँ, जो यहाँ पर पेज ले लिया और यहाँ पे ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पे HTML जो साधारण HTML यहाँ पर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है HTML और यहाँ HTML कोडिंग पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है साधारण सा। इस तरह से आप देख सकते हैं अपना gl.com जो भी है वहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आपको कोविड का जो मैंने लगा दिया था उसे आपको हटा देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही गजब का अपना लुक दे रहा है अपना रिजल्ट। बी केयरफुली फ्रॉम सिमिलरली वेबसाइट थैंक यू, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। इसी के अंदर आपका ये अपना रिजल्ट बी केयरफुली फ्रॉम ये जो डिजाइन है बहुत ही शानदार है जी हाँ फ्रेंड। जो मार्केट जो है आप इसके लिंक किस तरह से आप लगा सकते हैं आप यहाँ पे, चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल आर करना है, नोट पैड को ओपन करना है जी हाँ फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, आप जो कॉपी में बताया करने का उसे कॉपी का काम यहाँ पे ऑन कर देंगे। जो यहाँ पे आपको हच दिख रहा है फ्रेंड्स, HREF हच, आप इसके अंदर आप अपने लिंक को लगा सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें हच, यहाँ पे आपको कोई लिंक नहीं दिया गया, आप यहाँ पे आराम से लिंक लगा सकते हैं जी हाँ, और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना यहाँ पे जो भी मार्क्यू में अपना बिहार रिजल्ट अपना रिजल्ट जो लगाया था यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और बी के भी थोड़ी जो भी आपको जो लगाना है वहाँ से आप लगा सकते हैं। और थैंक यू यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको रेलवे ग्रुप डी फॉर्म 2020 जो है ये सीटेट ऑनलाइन 2020 ये दिल्ली, आपको ये सब चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019 इंडियन आर्मी एसोसिएशन ऑनलाइन फॉर्म ऑल अबाउट सीटस एग्जाम, आप ये सब चीज़ को चेंज कर सकते हैं अपने मार्क्यू के अंदर में जी हाँ फ्रेंड्स। आपको पहले फर्स्ट ऑफ नोट पैड ओपन करेंगे, आप वहाँ से पूरा चीज़ को चेंज कर लेंगे और उसका लिंक जो लगाना है वो लिंक लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी हाँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अपडेट कर लिया हूँ, अब यहाँ पे आता हूँ, अब किस तरह का यहाँ पे लुक है मैं इसे देख लेता हूँ। आप यहाँ पे लुक देख रहे हैं तो आपको बहुत शानदार ही लुक दिखाई दे रहा होगा, जो कि सरकारी रिजल्ट से बहुत ही बेहतरीन हमने आपको लुक दिया हूँ जी हाँ फ्रेंड्स। इसमें कलर कलर बहुत तरह का कलर है, इसमें आप कलर देख सकते हैं, ये सरकारी रिजल्ट .com में एक ही कलर है जो ब्लू है, और इसमें बहुत सारे कलर है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड बैगनी जो भी कलर सब सारे हैं, इस सब कलर को बहुत ही शानदार कलर दिए हैं जी हाँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ट्विटर का जो भी बनाया गया है सोशल का अपना ये सोशल रिजल्ट जो आइकन बनाया गया है इस तरह से अभी आप बना सकते हैं सरकारी रिजल्ट। यूट्यूब का जो है इसे आप अपना शानदार बना सकते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। यहीं पे आपको ऐड कर बटन पर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे ऐड पर आपको ब्लैक बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डबल ऐड
इस तरह का डबल एल ले लिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे शानदार सा एक बटन ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बटन ले लिया हूँ, और एक और बटन ले लूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ बटन लेकर आपको सेंटर कर देना है, इसे भी आपको सेंटर कर देना है, क्योंकि ये दोनों को आपका सेंटर पर रहेगा बहुत ही गजब और लाजवाब। मीडियम किस तरह का है? मीडियम लार्ज, लार्ज नहीं, मीडियम ही सही रहा है, और इसे भी मैं मीडियम ही कर लेता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस आइकन स्पेसिंग थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जो कि क्लिक हेयर 35 कर देता हूँ, इसे भी अब 35 कर लेता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ चलिए, अब चलते हैं इसका बटन जो क्लिक हेयर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, और इसका बटन जो है ट्विटर चाहे फेसबुक जो आपको लगाना है, जैसे कि यहाँ पे TWITT ट्विटर कुछ भी लगा सकते हैं। थोड़ा शानदार नहीं लग रहा है ये सब, क्या करूँगा, यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, जो भी है यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। फ्रेंड्स इसे अपने तरीके से मैं इसको बड़ा करूँगा, देखिए किस तरह से करूँगा। ट्विटर यूट्यूब जो भी है इसे मैं पहले इसका रंग और व्यवहार इसका चेंज कर देता हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कलर जो है यूट्यूब का रेड होता है, यहाँ पे मैं रेड रखूँगा पूरा फुल रेड, और ट्विटर का लोगो जो किस तरह सा होता है एक बार आप देख लेते हैं। TWITT या ट्विटर जो आसमानी कलर का होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आसमानी कलर का, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्विटर का इस तरह का रहता है, यहाँ पे इस तरह का मैं रखूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कलर मैं उस ट्विटर का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जो कि किस कलर में जो रहता है, इस कलर में है ना, हाँ नाइस। अब इस कलर में तो मैं ले लिया हूँ ट्विटर का, और यहाँ पे मैं करूँगा टाइपोग्राफी, साइज मैं इसका कर दूँगा 20x35। जी हाँ, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर अपर केस कर दूँगा पूरा फुल को, और डिफॉल्ट जो है इटैलिक नॉर्मल सही है, और लाइन हाइट जो है यहाँ पे 16 जो सही है, और लेटर स्पेस जो है वह और बड़ा कर लूँगा। जी हाँ, यहाँ पे TWITT है, और वर्ड स्पेसिंग भी वर्ड यहाँ से वर्ड थोड़े हैं कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, और यहाँ पे जो कि रोबोट मोन जेन डॉट, अब बहुत शानदार लग रहा है इसे, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फैमिली में जो आपको रखना है जेन डॉट आप रख सकते हैं, ये जेन डॉट मुझे बहुत ही शानदार लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और साइज में आपको 35 रखना है, दोनों में आपको सेम रखना है। जी हाँ, वेट जो है आपको 500 ही रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ट्रांसफॉर्मर में आपको अपर केस पूरा कर देना है, और लाइन हाइट में आपको 16 जो कि बहुत ही शानदार है, जो आपको 16 दे रहा है, और लेटर स्पेसिंग जो है आपको 3.8 रखना है। जी हाँ फ्रेंड, अब चलते हैं यूट्यूब में इस तरह से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी में गया, और रोबोट को पहले यहाँ पे जेन डॉट में बदल दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो भी साइज है 35 में यहाँ मैं रख रहा हूँ। जी हाँ, 35 रखा, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंस यहाँ पे अपर केस रख दिया, और लाइन हाइट जो मैं रखूंगा 16 रखूंगा, जो कि यहाँ पे 16 आ चुका है, और जो 3.8 है मैं यहाँ पे इस तरह रखूँ। जी हाँ फ्रेंड, ये अब शानदार बन चुका है, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ही अपने टक्कर में आ चुके हैं। थोड़ा फ्रेंड्स इसमें आपको थोड़ा टहकार और दे देना होगा इस कलर को, सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का आ चुका है ट्विटर यूट्यूब। जी हाँ, अब इसे मैं अपडेट करके यहाँ पे किस तरह से लुक है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इस तरह का लुक आ चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि इसमें अब लिंक किस तरह से मैं दूंगा, आपको इसमें ट्विटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो हच लिंक दिख रहा है आपको यहाँ से अपना फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल जो है इसे आप कॉपी कर लेंगे। जी हाँ, कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आप जाएंगे और लिंक की जगह पर आप ट्विटर के
भीतर आपको इसे लिंक कर देंगे और यहाँ अपडेट कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड, और इसी तरह से आप अपने यूट्यूब के लिंक को रख सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे यूट्यूब पर गया और यहाँ पे इंडियन टेक्नोलॉजी का यूट्यूब में अपना लिंक दे दे रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा देखना है ये आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ इस चैनल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे यहाँ इस लिंक को इसको पेस्ट करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे अपडेट इस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट जो अपना result.com है, अब यहाँ पे कंट्रोल आर करूंगा इसे और इसे दोनों को हटा दूंगा। और यहाँ पे ट्विटर पर क्लिक करने पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से डायरेक्ट इसी पेज पर ओपन हो रहा है। जी हाँ, और यहाँ यूट्यूब पर क्लिक करने पर इसी पेज पर ही क्लिक हो रहा है। आपको दूसरे पेज पर ले जाने के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर में आना होगा और यहाँ पे जो सेटिंग है ऑप्शन है आपको यहाँ पे लिखना होगा ओपन इन अ न्यू विंडोज और अपडेट आपको करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसी तरह से आपको ट्विटर पर जाना होगा, यहाँ सेटिंग पर ओपन इन अ न्यू विंडोज, यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे और कंट्रोल आर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो वहाँ पे आपको चेंजेस बता दें। अब आपको ट्विटर पर क्लिक करना है, एक न्यू पेज पर ओपन हो गया है। यूट्यूब पर आप क्लिक करिए, न्यू पेज पर आपका ओपन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर रहे इसी वक्त, और यहाँ पे ये आ चुका है। आपको ये अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसका मोबाइल साइज जो भी है, अब इसका मोबाइल साइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी हाँ फ्रेंड्स, चेक करूंगा। और यहाँ पे मोबाइल साइज में आपको इस तरह का देखेगा फ्रेंड्स, कोई इसमें भी इशू नहीं है फ्रेंड्स। आपको इस तरह का मेन्यू भी दिखेगा जो कि मेन्यू भी शानदार है। जी हाँ, और ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी देख रहे हैं आ गया। और ये इसका टैब व्यू में देखेंगे तो, अब इस तरह का टैब व्यू, तो इस तरह का टैब व्यू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इससे बड़ा इसे थोड़ा करूँगा, टैब व्यू में इस तरह का दिखेगा, और थोड़ा इससे बड़ा करूँगा तो इस तरह का दिखेगा, और इससे थोड़ा और बड़ा करूँगा तो इस तरह का दिखेगा। इस तरह से आप अपने वेबसाइट को चेकआउट कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये पार्ट 2 है, आपको पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लेलिस्ट इसका सिर्फ sarkaijo.com का है, और आपको इस जो रैंक मैच के द्वारा आपको बताया जाएगा, आपका ट्यूटोरियल का उसका आने में थोड़ा लेट है, इसलिए आप उसे वेट करें, और आप उसे देखने के लिए आप इस टाइम पर बने रहें। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, और मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।